हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफिस ऑफ प्रो। यू कम फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, गेट नोटिफिकेशन, लाइक शेयर कमेंट एंड वॉच फुल वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है। अ डिक्शनरी कैन कंटेन अनदर डिक्शनरी विच इन टर्न कैन कंटेन डिक्शनरीज देमसेल्फ एंड सो ऑन टू आर्बिट्री डेप्थ। दिस इज नोन एज नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी हमारी क्या होती है, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी कंटेन करती है, तो वो हमारी क्या होती है, वो नेस्टेड डिक्शनरी होती है। और नेस्टेड डिक्शनरी कंटेन की वेयर ईच की इज एन यूनिक डिक्शनरी इटसेल्फ। जो उसकी की होती है खुद जो होती है इटसेल्फ, वो उसकी यूनिक होती है। जैसे कि हमारे पास डिक्शनरी आइटम है, उसके अंदर की है हमारी डिक्ट वन है और डिक्ट टू है। फिर उसके अंदर हमारी डिक्शनरी है एक, जैसे कि कलर क्या हो गया हमारा, कलर शेप हमारी की हो गई और उसकी वैल्यू हो गई हमारी रेड और स्क्वायर हो गई। फिर हमारी सेकंड डिक्ट टू में हमारी कलर हो गया और शेप हो गया, उसकी वैल्यूज हो गई पिंक और राउंड हो गई। तो हमारी ये नेस्टेड डिक्शनरी होती है। जैसे कि हम इसको कैसे क्रिएट करते देखते हैं, जैसे कि अ नेस्टेड डिक्शनरी इज क्रिएटेड द सेम वे अ नॉर्मल डिक्शनरी इज क्रिएटेड। जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट ईच वैल्यू इज अनदर डिक्शनरी। हमारा डिफरेंस क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है ईच वैल्यू। जैसे कि हमारा डिक आइटम हो गया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद एम्प्लॉय वन हमारी की हो गई, EMP हमारा की हो गई, फिर उसके बाद कॉलन उसकी वैल्यू हो गई डिक्शनरी, फिर उस डिक्शनरी के अंदर हमारी की हो गई नेम, फिर कॉलन उसकी वैल्यू हो गई स्मिथ, फिर कॉमा जॉब की हो गई, फिर कॉलन मैनेजर उसकी वैल्यू हो गई, फिर हमारी फर्स्ट की वैल्यू हमारी क्लोज हो गई, फिर उसके बाद सेकंड जैसे कि हमारी की है EMP2, फिर कॉलन, फिर उसके अंदर वैल्यू हो गई डिक्शनरी की फॉर्म में, फिर उसके अंदर की हो गई नेम हैरी हो गई, कॉमा जॉब डेवलपर, फिर हमारे कॉमा, फिर उसके बाद EMP3, फिर कॉलन, फिर थर्ड हमारी डिक्शनरी हो गई एज अ जैसे कि उसकी वैल्यू के फॉर्म में, और उसके बाद नेम जैक जॉब ग्राफिक डिजाइनर, फिर हमारी डिक्शनरी क्लोज हो गई। तो इस तरह हम नेस्टेड डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं पाइथन में। जैसे कि हमारा ऑनलाइन इंटरप्रेटर शेल है, इसमें करके देखते हैं, जैसे कि डिक्ट आइटम है हमारा इक्वल टू हमारी डिक्शनरी हो गई, फिर उसके अंदर जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, जैसे कि एम्प्लॉय वन हमारी EMP1 हमारी की हो गई, फिर उसके अंदर EMP1 की है उसकी वैल्यू ऐसा जैसे कि डिक्शनरी की फॉर्म में है, फिर उसके अंदर हमारी की हो गई नेम कॉलन का नेम हो गया स्मिथ, फिर कॉमा, फिर उसकी वैल्यू हो गई हमारी जॉब डेवलपर। ये हमारा ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट जो की है उस एज अ वैल्यू हमारी डिक्शनरी बनी है, उसके बाद फिर उसके अंदर की एंड वैल्यूज हो गई नेस्टेड डिक्शनरी हो गई। ऐसे ही हम सेकंड अगर हम की क्रिएट करते हैं, फिर उसकी जैसे कि EMP2 करते हैं, EMP2 है ये, EMP2 हो गई, फिर उसके बाद हमारी उसकी वैल्यूज हो गई एज ए डिक्शनरी की फॉर्म में, फिर उसके बाद जैसे कि नेम इसमें हम दे देते हैं जैसे कि बॉब, और इसकी वैल्यू दे देते हैं जैसे कि मैनेजर, जॉब में दे देते हैं इसका मैनेजर। ये हमारी सेकंड की हो गई, उसकी वैल्यू हो गई डिक्शनरी की फॉर्म में। ऐसे हमारी थर्ड EMP3 हो गई, फिर उसके बाद उसका नेम दे देते हैं जैसे कि सपोज दैट हैरी, जॉब हो गई ग्राफिक डिजाइनर। और उसके बाद हम डिक्ट प्रिंट करते हैं, प्रिंट डिक्ट _ आइटम को हमने क्या किया, प्रिंट किया, इसको हम रन कराते हैं। तो ये हमारी देखिए, हमने इसको रन कराया तो हमारी नेस्टेड डिक्शनरी की जैसे कि इसकी हो गई EMP, फिर उसकी वैल्यू हो गई एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में नेम, फिर उसके अंदर स्मिथ, फिर जॉब डेवलपर, फिर EMP2, फिर उसकी हो गई EMP2, उसके बाद फिर उसके एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में उसकी वैल्यू हो गई, फिर उसके अंदर हमारी नेम एज अ की, फिर उसकी बॉब हो गई। तो इस तरह हमारी नेस्टेड डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं पाइथन में। अब जैसे कि जानते हैं डिक कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं, जैसे कि डिक _ आइटम है, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर हमारा कंस्ट्रक्टर मतलब पैरेंथेसिस हो गया, फिर उसके बाद हमारा EMP1, फिर उसके अंदर हमारी एज अ जो हमारी वैल्यू है डिक्शनरी की फॉर्म में है, फिर उसके बाद नेम स्मिथ कॉमा जॉब मैनेजर, फिर उसके बाद कॉमा, फिर EMP2, फिर कॉलन डिक्शनरी 2 की वैल्यूज हो गई, फिर EMP2 की वैल्यू हो गई एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में, फिर नेम हैरी, फिर जॉब डेवलपर, फिर EMP, फिर EMP3, फिर एज अ फिर उसके बाद नेम जैक जॉब डिजाइनर, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर हमारा पैरेंथेसिस बंद हो गया, फिर प्रिंट कर रहे हैं डिक आइटम को। इसको करके देखते हैं, जैसे कि ये हमारा डिक कंस्ट्रक्टर हो गया, उसके बाद हम इसको कॉम रन कराते हैं। तो देखिए, हमने इसको रन कराया तो हमारी जैसे कि जो डिक कंस्ट्रक्टर हमारा ये कॉल हो रहा है, इसमें इसकी EMP1 हो रही है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू हो गई ऐसे डिक्शनरी की फॉर्म में नेम स्मिथ जॉब डेवलपर, फिर ऐसी EMP2, फिर नेम बॉब जॉब मैनेजर। इस तरह हमारी कैसे हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, डिक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं पाइथन में। और जैसे कि हमें डिक यूज डिक
फंक्शन अलॉन्ग विद द जिप फंक्शन, जो हमारा डिक कंस्ट्रक्टर है उसमें हम जिप का कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास आईडी है इज इक्वल टू, फिर उसके बाद लिस्ट है हमारी EMP1, EMP2, EMP3 हो गई, हमारी लिस्ट हो गई एज ए की फॉर्म में। फिर हम EMP info हो गई इज इक्वल टू हमारे लिस्ट की फॉर्म में नेम स्मिथ हो गया, जॉब मैनेजर, फिर नेम हैरी एज अ डिक्शनरी इसमें की फॉर्म में है। फिर उसके बाद नेम मैनेजर, नेम हैरी हो गया, जॉब डेवलपर हो गया, नेम जैक हो गया, जॉब डेवलपर हो गया। फिर हमारी लिस्ट क्लोज हो गई। फिर डिक अंडर स्कोर आइटम इज इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने जिप फंक्शन पास किया, फिर उसमें जो हमारे लिस्ट टाइप की वैल्यू है आईडी में उसको हमने पास किया, कॉमा एज अ की फॉर्म में रहेगी और कॉमा एम्प्लॉय इन्फो एज अ वैल्यू की फॉर्म में रहेगी। फिर हमने प्रिंट किया डिक आइटम को, इसको करके देखते हैं। जैसे आईडी इज इक्वल टू लिस्ट के फॉर्म में रहेगी, में हमने दिया EMP1 दिया एज अ की, उसके बाद EMP2 एज अ की दिया हमने, EMP3 दिया, फिर उसके बाद EMP info, उसके बाद हमने दिया की वैल्यू एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में। इसको हमने किया जैसे कि नेम हो गया हमारा नेम कॉलन हमारा स्मिथ हो गया, इसकी वैल्यू हो गई स्मिथ, फिर कॉमा हमारा जॉब टाइप क्या है जॉब कॉलन डेवलपर, एक हमारा ये टाइप हो गया। फिर हमने कोमा लगाया, फिर उसके अंदर हमने दूसरी डिक्शनरी पास करी, हमने नेम कॉलन बॉब हो गया बॉब, कोमा जॉब, जॉब हो गई हमारी कॉलन डेवलपर, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया जैसे कि डिक्ट आइटम, आइटम हो गया हमारे पास के अंदर हमने डिक्ट हमारा फंक्शन है, डिक्ट हमारा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने जिप हमारा मेथड है, उसके अंदर हमने पास किया जो हमारी आईडी को पास किया, आईडी एज अ की फॉर्म में रहेगी और EMP info इसको हमने पास किया। अब हम इसको क्या करते हैं रन कराते हैं। EMP1 हमारा जैसे कि नेम स्मिथ हो गया, जॉब डेवलपर हो गया, फिर EMP2 नेम स्मिथ, फिर उसके बाद बॉब हो गया, नेम बॉब हो गया, बॉब हो गया, जॉब डेवलपर हो गया। जैसे कि इसमें मैनेजर करते हैं, सपोज दैट मैनेजर कर देते हैं, मैनेजर कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं। देखिए हमारा अब इसमें चाहते हैं जैसे कि तीसरी की को ऐड करना, तो हम यहाँ पर जैसे कि थर्ड की वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, तो नेम फिर हमारा हैरी, फिर उसके बाद उसका टाइप क्या है जॉब क्या है उसकी, और उसके बाद जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर को रन कराते हैं हम। तो देखिए हमारा EMP1 हो गया, EMP1 हो गया, फिर उसकी वैल्यू हो गया डिक्शनरी की फॉर्म में, EMP2 हमारा इस ऐसे उसकी वैल्यू हो गई डिक्शनरी की फॉर्म में, फिर EMP3 हमारा ऐसे उसकी वैल्यू हो गई डिक्शनरी की फॉर्म में। तो हमारा ये डिक कंस्ट्रक्टर हो। अब हम जानते हैं फ्रॉम की मेथड हमारा कैसे वर्क करता है। जैसे कि आईडी EMP1, EMP2, EMP3 डिफॉल्ट है हमारा इक्वल टू हमारा जैसे कि डिक्शनरी है इसमें जैसे कि नेम कॉलन उसकी वैल्यू नहीं दी है, फिर कोमा जॉब उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो डिक अंडर स्कोर आइटम डॉट डिक डॉट फ्रॉम कीज पैरेंथेसिस में हमने पास किया आईडीज कोमा डिफॉल्ट। फिर इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा इसका, जैसे कि नेम उसके अंदर उसकी वैल्यू नहीं दी हमने, फिर उसकी कॉमा हमने किया जॉब, फिर हमने उसकी क्या की इसकी वैल्यू नहीं दी। अब हम क्या कर रहे हैं डिक्ट अंडर स्कोर आइटम है हमारा इस गल टू हमारा डिक्ट हो गया, फिर डॉट फ्रॉम कीज, फिर उसके अंदर हमने दिया आईडीज कॉमा उसकी डिफॉल्ट, रन कराते हैं। तो देखिए EMP हमारा 1 हो गया, फिर नेम जॉब हो गई, फिर EMP2 फिर उसका डिफॉल्ट हो गया, फिर EMP3 उसका डिफॉल्ट हो गया। तो उसमें कैसे डिफॉल्ट वैल्यू कैसे कंटेन करता है यूजिंग अ फ्रॉम कीज के थ्रू हमने ये जाना। हम देखते हैं जैसे एक्सेस नेस्टेड डिक्शनरी आइटम, नेस्टेड डिक्शनरी आइटम की वैल्यूज को कैसे हम एक्सेस करते हैं। जैसे कि एक्सेस इन इंडिविजुअल आइटम इन अ नेस्टेड डिक्शनरी बाय स्पेसिफिक की इन अ मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट, हम मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम क्या करेंगे जो भी डिक्शनरी में नेस्टेड डिक्शनरी है उसके आइटम को हम क्या करेंगे एक्सेस करेंगे। जैसे कि डिक अंडर स्कोर आइटम EMP1 फिर उसके अंदर उसकी डिक्शनरी की फॉर्म में उसकी एज अ वैल्यू है, फिर उसके अंदर उसके हमने डिक्शनरी नेम स्मिथ हो गया, जॉब मैनेजर हो गया, फिर EMP2 में भी है, EMP3 में भी है ये। तो हम प्रिंट करा रहे हैं जैसे कि डिक अंडर स्कोर आइटम EMP1 का नेम प्रिंट कराएंगे तो हमारा स्मिथ आएगा, फिर डिक्ट फिर प्रिंट कराने हैं डिक अंडर स्कोर आइटम EMP2 फिर इसका नेम वैसा जैसे कि उसकी की हो गई, फिर उसके बाद सेकंड की उसकी पास करी नेम पास करी, फिर हमारा उसका जैक हो जाएगा। फिर प्रिंट डिक अंडर स्कोर आइटम EMP3 फिर नेम उसका प्रिंट करा रहे हैं EMP1 में, जैसे कि डिक अंडर स्कोर आइटम है EMP1 में सैलरी मतलब उसकी की नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा वो हमें उसको एरर देगा क्योंकि उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसको पहले करके देखते हैं हम डिक अंडर स्कोर आइटम इज इक्वल टू फिर उसके अंदर हमारी दूसरी डिक्शनरी, फिर उसके अंदर हमारी क्या हो गई EMP1 है, फिर उसके अंदर डिक्शनरी हो गई हमारी जैसे कि नेम स्मिथ हो गया, कॉमा जॉब हो गई उसकी, जॉब टाइप हो गया उसका डेवलपर,
कॉमा में जैसे कि EMP3 देते हैं, EMP2 देते हैं हम, EMP यहाँ पर 2 करेंगे इसको, इसका नेम देंगे बॉब, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे मैनेजर कर देंगे। फिर ऐसे ही हम तीसरी की हम डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू को देंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पर हम हैरी दे देते हैं। उसके बाद इसकी जो होगी डेजिनेशन, जैसे कि जॉब होगी इसकी ग्राफिक डिजाइनर। अब इसकी वैल्यू का हमें क्या करना है, एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे जैसे कि प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट डिक अंडरस्कोर आइटम, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे जैसे EMP1 की वैल्यू चाहिए हमें, EMP1, फिर उसके बाद EMP1 मतलब पहले की को पास करेंगे, फिर उसकी पहले की के अंदर जो डिक्शनरी है उसकी की को पास करेंगे, जैसे कि हम इसमें देते हैं नेम, तो इसको हम जैसे कि रन कराते हैं तो क्या आएगा हमारा स्मिथ आ रहा है, क्योंकि जैसे कि EMP1 हमारी पहले की हो गई, फिर उसके अंदर हमारी डिक्शनरी है, फिर उसकी जो की हो गई नेम उसकी वैल्यू हमारी स्मिथ हो गई, ये हमारा फर्स्ट आया। जैसे कि EMP2 को हम देखते हैं, जैसे कि EMP2 का देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसका नेम हैरी हो जाएगा। ऐसे EMP3 में देखेंगे हम हमारा क्या हो जाएगा, इसको रन करेंगे तो क्या होगा, कोई EMP3 करते हैं, इसको रन करते हैं तो क्या होगा हमारा हैरी हो गया। तो हमारे क्या हो गए कि एग्जिस्ट करती है किसी भी नेस्टेड डिक्शनरी में, वो हमें उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा है। बट अगर कोई हमें जैसे कि EMP3 में हमारे जैसे कि इसको सैलरी देते हैं, इसमें एस की देते हैं, सैलरी देते हैं, इसको रन करते हैं तो हमारा क्या होगा, की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे कि इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रही है, की एरर आ रही है सैलरी, क्योंकि की एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी की इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। EMP3 जो है हमारी की है, जिसके अंदर डिक्शनरी है उसकी अंदर जो की है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो हमारे कैसे डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी में इस कैसे आइटम को हम एक्सेस करते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब ऐसे ही हम जैसे कि एक्सेस नेस्टेड डिक्शनरी आइटम गेट मेथड के थ्रू कैसे करेंगे, जैसे डिक अंडरस्कोर आइटम हमारी डिक्शनरी हो गई, ये नेस्टेड डिक्शनरी हो गई, EMP1 EMP2 EMP3 इसकी वैल्यूज हो गई। फिर उसके बाद जैसे कि गेट मेथड के थ्रू कैसे करेंगे इसको करके देखते हैं, जैसे EMP1 हो गई, EMP1 हो गई डिक अंडरस्कोर आइटम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ई दे रहे हैं EMP1, फिर डॉट गेट हमारा मेथड है, गेट के थ्रू कर रहे हैं, गेट मेथड है हमारा। उसके बाद उसमें हम की पास करेंगे, जैसे कि नेम पास करेंगे, इसको रन कराते तो हमारा क्या आएगा, देखिए गेट मेथड के थ्रू हमारे इसकी वैल्यू आ रही है। वैसे ही अगर जैसे कि EMP2 में देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी बॉब, और EMP3 में देंगे तो उसकी जो एज ए की होगी वो मैच करेगा तो उसकी वैल्यू देगा हैरी। अगर कोई की जैसे एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे सपोज दैट सैलरी करते हैं तो हमारा क्या आएगा, नन रिटर्न करता है। बट हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करते हैं तो हमारा वो की एरर देता है। ये डिफरेंस होता है मेथड के थ्रू और स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। और जैसे कि हमें चेंज नेस्टेड डिक्शनरी आइटम, हमें नेस्टेड डिक्शनरी आइटम में जैसे कि उसको में चेंजेस करने हो, जैसे कि हमारे पास डिक्शनरी है नेस्टेड डिक्शनरी डिक अंडरस्कोर आइटम, इसके अंदर की एज एन वैल्यू हो गई EMP1 EMP2 EMP3, फिर डिक अंडरस्कोर आइटम जैसे कि EMP1 में नेम है जो उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, नेम में क्या अपडेट कर रहे हैं, बॉब कर रहे हैं EMP1 में, तो हमारा क्या होगा उसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, बॉब हो जाएगा। फिर डिक अंडरस्कोर आइटम EMP1 में उसको जॉब टाइटल को हम क्या चेंज कर रहे हैं, वेब डेवलपर कर रहे हैं, ऐसे प्रिंट कर रहे हैं डिक अंडरस्कोर आइटम EMP1 को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। जैसे कि हम करके देखते हैं डिक अंडरस्कोर आइटम, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन EMP स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर नेम को पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, सपोज दैट हम यहाँ दे दे रहे हैं जैक दे दिया हमने, फिर डिक्ट अंडर स्कोर आइटम कर रहे हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर EMP1 में उसकी जॉब को हम क्या कर रहे हैं, जिसकी जॉब की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, सपोज दैट इसमें हम दे रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं डिक्ट अंडर स्कोर आइटम को, इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए जो हमारे EMP1 में जो जैसे कि इसकी वैल्यू थी नेम, जो हमारा स्मिथ था उसकी जगह हमारा क्या हो गया, जैग हो गया, और जॉब उसका क्या टाइप था, एज अ डेवलपर था, उसका क्या हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम कैसे उसमें साइन करते हैं वैल्यू को, हमने ये जाना नेस्टेड डिक्शनरी में कैसे आइटम को हम अपडेट कर, मतलब उसकी वैल्यूज को अपडेट करते हैं, हमने ये जाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन गेट नोटिफिकेशन।